आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, भव्य और दिव्य काशी की ये तस्वीरें हैं। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले गंगा जल में किस तरह उन्होंने डुबकी लगाई, गंगा जल से आचमन किया और इसी कलश में जल भरकर गंगा जी का और फिर जलाभिषेक के लिए निकल पड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डुबकी को लगाने के लिए बाबा का यह मंदिर, काशी विश्वनाथ का यह मंदिर हिंदू धर्म की पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस काशी ने, इस विश्वनाथ मंदिर ने कई आक्रांताओं को देखा, कई बार इसे तोड़ा गया और इसका जीर्णोद्धार हुआ। आज जहां पर आप मंदिर की तस्वीरें देखते हैं, जहां पर आप घाटों की तस्वीरें देखते हैं, वो पूरी तरीके से बदली नजर आती है। उसका रंग, उसका रूप, उसकी सज्जा, उसकी सजावट, वाकई में इस तरीके की काशी आपने पहले नहीं देखी होगी। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा वस्त्र पहनकर हाथों में कलश लेकर मां गंगा में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और उन्हीं के शब्दों में यदि मैं कहूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शायद मेरे ही हिस्से, मेरे ही भाग्य में लिखा था कि मैं इस इलाके को इसका मूल स्वरूप लौटाऊं, इस इलाके का जीर्णोद्धार करूं। और वही तस्वीरें आप होते देख रही हैं आज, जो ललिता घाट आप देखते हैं, जो मणिकर्णिका घाट आप देखते हैं या जो दशाश्वमेघ घाट आप देखते हैं, वो पूरी तरीके से खूबसूरत नजर आता है, स्वच्छ नजर आता है। और किस तरीके से काशी बदली है, पल पल बदलती काशी को रुचि कुमार ने देखा है। रुचि, आप कई दफा बनारस आई हैं और इस बनारस को जिस तरीके से आपने बदलते हुए देखा है, उसका पूरा विवरण दें। देखिए, ऐसा है कि पहले जो बनारस था, अब जो बनारस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं तो प्रधानमंत्री भी हैं, तो अपने इलाके में, संसदीय इलाके में काफ़ी ज़्यादा काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। सबसे पहले हम घाटों की बात करें, क्योंकि बनारस का दिल जो है वो यहाँ घाटों पर बसता है। गंगा जी के किनारे घाटों की 84 घाटों की पूरी श्रृंखला है और इतने सुंदर घाट, इतना सुंदर नज़ारा मीनाक्षी शायद ही दुनिया में कहीं और आपको देखने को मिले जैसा वाराणसी में, काशी में देखने को मिलता है। तो ये जो घाट थे उनकी सीढ़ियों का कई जगह वो टूट गई थी, बुरी हालत में थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इन घाटों को सुंदर बनाया है। 80 घाट की सफाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू उठा के वहाँ सफाई शुरुआत की थी, और जो 80 घाट की सीढ़ियाँ थी जो पहले दिखाई नहीं देती थी, वो सारी सीढ़ियाँ हमने देखी। इसी तरह से जो बाकी घाट थे, टूटे फूटे थे, उनकी पुताई बहुत सालों से नहीं हुई थी, उनको सुंदर बनाया गया, उनमें लाइट्स बहुत अच्छी डाली गई। तो जब आप रात में यहाँ पर अगर आप आते हैं और गंगा जी में आप नाव से जाते हैं या ये क्रूज से जाते हैं जो यहाँ पर शुरू हुआ है, तो आपको बेहद खूबसूरत सुंदर घाट दिखाई देंगे जिनमें लाइट्स बहुत अच्छी डाली गई हैं। उसके बाद जैसा क्रूज की बात की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आज सवार है, अलकनंदा क्रूज है ये, और ये यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है, जिससे जिसमें बैठ के जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, पूरे गंगा जी में जाकर सारे घाटों को देख सकते हैं, और शाम को जो बहुत खूबसूरत दशाश्वमेघ घाट में आरती होती है उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो ये क्रूज बहुत पॉपुलर है बनारस के लोगों में। अब आप अगर शहर में आएंगे तो शहर में बहुत ज़्यादा बिजली के तारों का मकर जाल था, शहर दिखाई नहीं देता था, इतना प्राचीन शहर है, लेकिन उसकी इमारतें उन बिजली के तारों में छुपी हुई थी। अब उनको अंडरग्राउंड किया गया है जिससे शहर यहाँ पे दिखाई देता है। सड़कें बहुत ज़्यादा यहाँ बनाई गई हैं, जो हाईवेज हैं उनको बनाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, कि आदमी जो बनारस से जाए आसपास के ज़िलों में तो वो जल्दी पहुंच जाए। शहर में भी सड़कें बनाई गई हैं, सड़कें चौड़ी की गई हैं, जो बाबतपुर हवाई अड्डा है, क्योंकि बड़ी तादाद में बनारस में विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं, तो बाबतपुर हवाई अड्डे से शहर का सफ़र बहुत मुश्किल भरा होता था, बहुत सारे लोगों की फ्लाइट छूट जाती थी। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि समग्र विकास की दृष्टि से भी आज आप काशी को एक अलग स्थान पर पाते हैं। और पवन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्राध्यक्ष का यहां पर स्वागत सत्कार किया था,
उस दौरान से लेकर, मतलब उस वक्त से लेकर आज के वक्त तक जो एक कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में थी कि काशी वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर नजर आए, बनारस वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर नजर आए, क्या आज काशी वैसी दिखाई देती है? मीनाक्षी, बिल्कुल, काशी से क्योटो तक के सफर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और जब तक ये काम चल रहे थे तब तक विपक्ष उन पर कटाक्ष करता था, लेकिन आज सबसे बड़ी तस्वीर आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, पिक्चर ऑफ द डे, वो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा वस्त्र धारण किए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर अपने आप में यहाँ की बदलाव की कहानी बताती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में कहा था कि ना मैं आया हूँ, ना किसी ने मुझे भेजा है, ना मैं आया हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, तो बहुत से विपक्षी तंज कसते थे कि वही गंगा माँ साफ नहीं है, आप वहाँ स्नान नहीं कर सकते, उसका पानी नहीं पी सकते, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा वस्त्र धारण किए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, डुबकी लेते हुए पूरे हिंदुस्तान ने देखा प्रधानमंत्री यहाँ पानी में स्नान कर रहे हैं। 13 दिसंबर, 71 वर्ष की उम्र, इसे आप पिक्चर ऑफ द डे कह सकते हैं, क्योंकि कल सबसे बड़ी तस्वीर जो अखबार में होगी यही आचमन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस पिक्चर की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा किनारे डुबकी लगाते हुए भगवा वस्त्रों में रुद्राक्ष की माला पहने हुए, ये तस्वीर इतनी बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट की जाएगी। देखना आप यूपी के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर का एक अलग महत्व होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य पद्धति को देखें, जी पवन, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति को देखें और अगर हम भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और उसकी रणनीति भी देखें, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था पवन कि अयोध्या और काशी भारतीय जनता पार्टी के लिए दो मुख्य शक्ति केंद्र हैं, जिनमें हम देख रहे हैं एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण होना और अब यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, महज 32 महीने में अपने वादे को उन्होंने पूरा किया है, और ये बताने की कोशिश करें हम हिंदुओं के साथ तो हैं ही, लेकिन साथ ही हम एक समग्र विकास की परिकल्पना लेकर चलते हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के साथ जुड़ा हुआ विकास, ये बीजेपी की रणनीति है। जब काशी से क्योटो की बात हुई, जब जापान के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और काशी और क्योटो के कंपैरिजन की बात हुई तो बड़ा उपहास बना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्म के जरिए जवाब देना पसंद करते हैं। कम से कम आज कॉरिडोर देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि जैसी कल्पना थी वो साकार नहीं हुई। घाट जो गंदगी का स्वरूप थे उसको पिछले 7 साल में हमने साफ होते हुए देखा है, घाटों पर लाइट लगते हुए देखा है, काशी की सकरी गलियां देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक भी आते थे श्रद्धालुओं के अलावा। वो जब इंटरनेशनल सिटी, सबसे पुराने शहर के तौर पर काशी को हम जानते हैं, लेकिन वो अब सबसे साफ और स्वच्छ हो, तारों के जाल से मुक्त हो, इस तरह का सब कुछ देखा गया है। और दूसरी बात, सिर्फ काशी या सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं, वो बार बार कहते रहे हैं, चाहे वो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन हो, चाहे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के अलावा चार धाम परियोजना हो, चाहे वो यहाँ पर कॉरिडोर की बात हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि उन्हें काशी विश्वनाथ को लेकर उन्होंने कहा था कि बाबा विश्वनाथ ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है कि इसका जीर्णोद्धार हो। इससे पहले अल्लाहबाई होलकर ने जीर्णोद्धार करवाया था, तो सोचिए कितने सैकड़ों वर्ष गुजर गए, किसी ने इस मंदिर की सुध नहीं ली। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर बाकी सरकारों के पास मौका नहीं था, और विश्व के पटल पर काशी को स्थापित करने में एक बार फिर। बिल्कुल बिल्कुल पवन और रुचि हमारे साथ बने हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि बाकी सरकारों के पास ये मौका नहीं था, लेकिन क्या काशी का इस तरीके से विकास करना उनके एजेंडे में था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आज पूछा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।